Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? But good morning, everyone. आशा करता हूँ मैं कि आप सब लोग ठीक हो गए और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ बुर्ज खलीफा और साथ ही साथ देखेंगे दुबई फाउंटेन और करेंगे कुछ और शॉपिंग। हालांकि मैं ऑलरेडी बहुत शॉपिंग कर चुका हूँ लेकिन स्टिल क्योंकि कल मेरी यहाँ से वापसी है, छोटा सा प्लान था, ऑफिस से भी ज़्यादा छुट्टियाँ मुझे मिल नहीं पा रही थी। स्टिल आई थॉट कि चलो घूम के आते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए, कंटेंट बनाते हैं। तो अब वो छोटा सा प्लान जो है वो अपने अंतिम चरण पर आ चुका है और कल मेरी वापसी की यहाँ से फ्लाइट है, मतलब आखिरी एक या डेढ़ दिन बचा है अब दुबई में। तो आज बहुत कुछ करना है। आज हमने बुर्ज खलीफा बुक कर रखा है अपना, 125वें फ्लोर पर जो उनका ऑब्जर्वेशन डेक है उसके ऊपर जाएंगे आज और वहाँ से आपको भी दिखाएंगे कि दुबई कैसे लगता है। फिर करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग दुबई मॉल से, फिर उसके बाद दुबई फाउंटेन जो कि वर्ल्ड फेमस फाउंटेन है यहाँ का, वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा कैश निकाल रहे हैं एटीएम से। दुबई में जब भी आप कैश वगैरह निकालो या कहीं बाहर घूमने आओ तो एक ही बार में कैश निकालो, बार बार ट्रांजेक्शन ना करो क्योंकि उसमें बहुत सारे फिर। अब गाड़ी आ गई, अब चलेंगे सीधा दुबई मॉल। दुबई मॉल अब आ गए हैं दुबई मॉल, ये पहुंच गए हम दुबई मॉल के अंदर। बड़ी ज़बरदस्त जगह है, कहते हैं, मतलब कहते क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। और 1200 से ज़्यादा इसके अंदर स्टोर है जो कि ऑल टाइम मतलब ओपन रहते हैं, जब भी मॉल खुलता है 1200 से ज़्यादा। और मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब याद नहीं आ रहा है बट इस बात में भी पूरी सच्चाई है कि इसमें पता नहीं कितने फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा ये मॉल है पूरा, मतलब मेरे ख्याल से 5-7 दिन अगर एक बंदा लगाए तो ही इस पूरे मॉल को कवर कर पाएगा, अदरवाइज तो नहीं कर पाएगा, ये इतना बड़ा मॉल है। अब चलते हैं बुर्ज खलीफा, देखते हैं क्या एंट्री का क्या हिसाब किताब और फिर वहाँ एंटर करके चलते हैं, ऊपर से आपको दिखाते हैं आज दुबई। ये रही हमारी बुर्ज खलीफा की टिकट, इसी से ही जाना है ऊपर। और अगर आप ऑनलाइन बुक करा के आते हो तो वो भी चलेगा, हमने पहले सोचा था ऑनलाइन बुक कर लें, टाइमिंग भी मिल रहा था, लेकिन हम जान के चाह रहे थे यहाँ पर आकर देखते हैं फिर क्या होता है। तो अभी हमारे को यहाँ पे टिकट मिल गई है, मैं जा रहा हूँ सिर्फ 125वें फ्लोर तक, तो उसका जो चार्ज है वो है 160 दे रहे, मतलब 159 एंड समथिंग, तो वो कर लिया है। और यहाँ से मेरे पीछे से एंट्री है, यहाँ से एंट्री करेंगे और फिर जाकर दिखाते हैं आपको। चलो हेलो, दिस वन भाई दुनिया जहान की भीड़ है, यहाँ तो बहुत लोग आए हुए हैं बुर्ज खलीफा को देखने के लिए। जो टिकट है ये है 160 दिरहम की, मतलब 160 दिरहम की, और अगर 160 दिरहम को अगर आप आज के प्राइस से कैलकुलेट करो तो करीब बनते हैं 3,500 तक, शायद 3,000 तक तो बनेंगे, 3,500 तक बनेंगे। अब वो 3,500 की टिकट है जिससे मैं ऊपर जाऊंगा 124-125वें फ्लोर पर और इंजॉय करने के लिए और बुर्ज खलीफा के ऊपर से दुबई शहर को देखने के लिए। बट अगर आप बात करो तो यही टिकट जो है वो 750 दिरहम तक की है, मतलब ऑलमोस्ट
15-16 हज़ार तक की भी है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा मुझे तो लगता नहीं है कि मैं इतने पैसे सिर्फ एक ऊंची सी बिल्डिंग में जाकर ऊपर से देखने के लिए खर्च करूं। वो नज़ारा तो शायद हवाई जहाज़ से भी दिख जाएगा या फ्लाइट से भी दिख जाएगा, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी सोच हो सकती है। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए। आपको अगर अच्छा लगता है आपको बिल्कुल टॉप तक जाओ, 750 दिरहम की टिकट लो, 750 दिरहम की टिकट लो, जो कि बनेगी करीब 15,000-16,000 रुपए की। बट वही बात है कि हर किसी के अपने स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या अच्छा लगता है, वो क्या चाहता है। तो मेरे लिए तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था कि मैं बहुत ऊपर तक जाऊँ, बट हाँ एक बार एक्सपीरियंस करना था बुर्ज खलीफा का, तो 124वें फ्लोर तक तो जा ही सकते हैं और उसके लिए इतने पैसे तो दे ही सकते हैं। तो चलो अब लाइन लगी हुई है, दुनिया जहान की यहाँ पर लाइन है, शायद सस्ती टिकट है इस वजह से या फिर लोग देखने ही आए हैं, लेकिन जो भी है ऊपर चल के देखते हैं। मैंने यहाँ पे फुल ऑन चेकिंग होगी, अदरवाइज नो वन कैन गो, सब कुछ स्कैन करना पड़ेगा, फुल ऑन सिक्योरिटी है यहाँ पर। फिलहाल तो हम जो है वो चल रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ लेकर ये जाएंगे हमें। लाइनें लगी हुई हैं, कभी ना खत्म होने वाली लाइन है ऐसा लग रहा है। अभी पहले पीछे लाइन लगाई, अब फिर यहाँ लाइन लगा रहे हैं। पता नहीं बुर्ज खलीफा में ऊपर जाने का जो मेरा एक्साइटमेंट था ना वो ख़त्म होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहाँ आके फंस गए। देखो कब जाके लाइनें ख़त्म होती हैं और कब पहुँचते हैं। उधर वाली लाइन ख़त्म हुई, अब ये फिर से लाइन आ गई है, पता नहीं भैया कितनी लाइन है। मतलब लाइनें लगा लगा के तंग हो गया हूँ, मन कर रहा है कि मैं वापस ही चला जाऊँ यहाँ से। ये वाली जो लिफ्ट है अभी मेरे सामने गई थी, इसमें लोग गए थे और उनको लिफ्ट में गए हुए 33, 35, 36 मतलब 40 सेकंड के करीब हुए हैं और वो 80-82 फ्लोर तक ऊपर पहुंच भी गए, तो नो डाउट लिफ्ट तो फास्ट है। तो नंबर आ गया भैया, जा रहे हैं हम लिफ्ट के अंदर। 10 meters per second and 1 minute to go up to 124 floor. 1 minute लगेगा हमें ऊपर जाने में। हर एक सेकंड में 10 meters ये लिफ्ट चलती है और हम 1 minute में ऊपर पहुंच जाएंगे। स्टार्ट हो चुकी है। मैं हूँ अभी बुर्ज खलीफा की लिफ्ट में। दिस इज सीरियसली फास्ट। जब फ्लाइट ऊपर टेक ऑफ करती है तो जैसे कानों में होता रहा वैसे लिफ्ट के अंदर हो रहा, तो ये आप अंदाजा लगा लो कितनी तेजी से ये ऊपर जा रही है। एग्जैक्ट 60 सेकंड्स में हम लोग आ गए हैं और अब ये आ गया इसका बाहर का ऑब्जर्वेशन डेक जहाँ से हम दुबई देखेंगे। वहाँ ज़्यादा भीड़ है तो यहाँ पर देखते हैं।